के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन को किया संबोधित, कहा प्रबुद्ध जन हित कर पाएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण। किया आह्वान, कहा एक बार फिर बनाए मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित हुआ निषाद जन प्रतिनिधि सम्मेलन, निषाद पार्टी के साथ बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया शिरकत। संत कबीर नगर में भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद और रवि किशन ने किया रोड शो। प्रवीण निषाद को विजय श्री दिलाने के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक रवि किशन शुक्ला ने लोगों से की अपील, कहा फिर से एक बार बनाए मोदी सरकार। भारत निर्वाचन आयोग से नामित प्रेक्षकों ने बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के कई मतदेय केंद्रों का किया निरीक्षण, कमियों को दूर करते हुए समय से व्यवस्थाओं को पूरा करने के दिए निर्देश। बेलीपार थाना क्षेत्र के महरौली गांव में लगी आग, चार मवेशियों की हुई मौत, आधा दर्जन झोपड़ियों सहित कई बीघा फसल जलकर हुई खाक, पुलिस और ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने धर्मशाला बाजार से किया रोड शो, कहा केंद्र में फिर बनाए मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी को लगा झटका, सपा के वरिष्ठ नेता भानु प्रकाश मिश्र ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा सम्मान नहीं रहा तो ऐसी पार्टी में रहने का नहीं है कोई औचित्य। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग बौद्धिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित हुआ विचार गोष्ठी, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। और गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार की मुहिम के साथ समाज के लोगों ने मतदाताओं से किया अपील, कहा 19 मई को जरूर करें मतदान।